हेलो फ्रेंड, आज हम आपको स्ट्रेट पैंट काटने के लिए बता रही हूँ। फैब्रिक इसमें 2 मीटर कपड़ा रहता है, लंबाई 34 इंच प्लस 3 इंच इसमें मोहरी मोड़ने के लिए लिया जाता है, 1/2 इंच इधर कपड़ा बराबर करने के लिए, 1/2 इंच इधर भी कपड़ा बराबर कर लेती हूँ। हाई का चौथा भाग प्लस 2 इंच, हाई का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच, हाई का चौथा भाग प्लस 3 इंच, यहाँ पॉकेट लगाने के लिए। मोहरी के लिए 3 इंच 2 सूता 3 इंच 2 सूता नीचे बराबर करके लेना है, ऊपर 8.5 प्लस 2 इंच तो 8 10 10.5 इंच हुआ, तो यहाँ बराबर करके बीच से 3.5 इंच मोहरी के लिए रखना है। मोहरी 11 इंच है। यहाँ से तिरछा करके इंच के द्वारा यहाँ चिन्ह लगा देना है, इधर भी इंच के सहारे इधर भी चिन्ह लगा दें। लंबाई 34 इंच, उसके बीच में 2 इंच बीच में माने मोहरी का डिजाइन बनाने के लिए है। अब कटिंग कर देती हूँ। आगे का पल्ला हो गया, पाछे का पल्ला काटने के लिए बता रही हूँ। ये फैब्रिक को सोझा करके इस पर आगे का पल्ला रख देती हूँ। पाछे के पल्ला में ऊपर 1.5 इंच हिप बढ़ा देना है। ये चिन्ह डालने के बाद चिन्ह के अंदर ही सिलाई माने कटिंग करना है, इधर 2 इंच बढ़ा देना है। इधर भी बढ़ा देना है। सोचा लाइन देने के बाद इसको गोलाई दे देना है, इधर ऊपर 1.5 इंच,
आगे एक पल्ला हटा दें। चिन्हा जो लगाया हुआ है उसका अंदर ही कटिंग करें तो कपड़ा बड़ा हो जाएगा। नीचे तो स्ट्रेट रहता है, ऊपर में 2 इंच बढ़ गया, उधर 8 इंच तक ढीला करने के लिए पाछे पल्ला में बढ़ा दिया गया है। पॉकेट काटने के लिए चौदह इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ाई। गोलाई इस तरफ से काट दें। बगल भी इस तरफ फाड़ दें। आगे का कमर पट्टी काटने के लिए कमर 32 इंच है, 16 इंच पट्टी काट लें। आगे के पल्ला में पेस्ट बकरम डाल के सिला जाता है। पाछे का पल्ला जो है वो सिलने के बाद नाप के कमर पट्टी काटेंगे।